नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं डीटेक साइड यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरह से आप जो वीवो और ओप्पो के फ़ोन में जो होता है आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं ऐप जो कि फिजूल के ऐप होते हैं, और जो आप इंस्टॉल करते हैं उसे तो आप आसानी से कर लेते हैं इंस्टॉल, लेकिन वो नहीं हो पाता। तो गाइस, आज मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस, सिंपली सेटिंग में जाना है। आपने तो देख लिया, मैंने सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ आया हूँ। तो आप भी सेटिंग पे जाएंगे, उसके बाद स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे मोर का ऑप्शन आएगा, मोर पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा आएगा, इस पे आपको क्लिक करने हैं। उसके बाद ऑल पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, यहाँ से आप उसे जो बैकअप उसका हटा सकते हैं, और आपका बैटरी भी सेफ हो जाएगा और डेटा भी फिजूल का नहीं खर्च होएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आप देख सकते हैं इतने सारे ऐप हैं, इनमें से किसी को भी हटा सकते हैं जो कि ऑलरेडी इंस्टॉलेड है, और ये आपका बैटरी और बैकअप और डेटा सब कुछ ये आपका लेता है। तो गाइस, इसे हटा कैसे सकते हैं? तो आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको उस पर प्रेस करना होगा, क्लिक करना होगा। तो मैं ये वाले ऐप को चुनता हूँ आपको दिखाने के लिए। उसके बाद आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ से डाटा रीसेट कर सकते हैं। एक्चुअल में गाइस, वहाँ से आपको हटेगा नहीं ऐप, लेकिन ये होगा कि आपका ये सब डिसेबल हो जाएगा ये, और आपका डेटा जो वहाँ से MB खा रहा होगा वो नहीं यूज़ करेगा। तो इस तरह से कर सकते हैं, और फालतू के अपडेट्स वगैरह आता रहता है उससे भी बच सकते हैं। और गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ से भी आप इसे स्टोरेज देख सकते हैं, आपको 500 MB, 300 MB ऐसे ऐसे खाते हैं, इन सबको हटा सकते हैं। 19 MB आप देख सकते हैं ये हैं। आप यहाँ से डाटा पे जाने के बाद क्लियर कर देंगे, इस तरह से क्लियर करेंगे ये खाली हो जाएगा जगह। उसके बाद इसी तरह से आप और भी कर सकते हैं। और गाइस, इसमें एक और चीज़ है कि ये वीवो का आप देख सकते हैं ऐप स्टोर है, आप यहाँ से अगर करेंगे तो और ऐप पे क्रस एक्स का निशान आ रहा है, लेकिन इस पे नहीं आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी कंपनी वालों ने इंस्टॉल किया है। तो आपको यहाँ पे आपको ढूंढते हैं, वहाँ से तो होता नहीं, लेकिन यहाँ से करके देखते हैं होता है या नहीं होता। और यहाँ से आप इसको डिसेबल कर सकते हैं क्योंकि हमें यूज़ करना ही नहीं है, प्ले स्टोर यूज़ करते हैं, प्ले स्टोर से इंस्टॉल हो जाता है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये देख सकते हैं ऐप स्टोर है, इसे भी डिसेबल कर सकते हैं। इसमें फालतू का जो मैसेज आते हैं अपडेट करो बार बार नोटिफिकेशन आता है, इन सब से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो गाइस, ये छोटी सी वीडियो थी, आई होप कि वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और गाइस, आपने देख लिया कि किस तरह से मैंने इसे अनइंस्टॉल किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।